अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास वन आई होप यू आर ऑल फाइन आई एम योर उर्दू टीचर मिस फैसान इट्स योर उर्दू लेक्चर सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर फाइव पे आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है कल का हम रिकैप कर लेते हैं कल का सफा नंबर चार पे हमने मिलते जुलते अल्फाज लिखे थे सवाल नंबर तीन में और सवाल नंबर चार में हमने हमजा छुट ई लगा कर और इन अल्फाज को इस तरीके से मुकम्मल कर ला लिया था आज वही सेम चीज़ जो है वो हम सवाल नंबर पाँच में कर रहे हैं राइट उससे पहले आप डेट एट मैंशन कर लें आज है सोलह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस जमात का काम और आज दिन है जुमा का सवाल नंबर पाँच है अब हमजा छोटी ये ई की जगह हमजा बड़ी ये ए लगा कर अल्फाज बनाइए जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फोर में हमजा छोटी ये ई लगाई थी और फिर हमने दोबारा वो वर्ड आगे पूरा लिखा था सेम उसी तरीके से आज हमने बे बेसिन अलिफसा बसा हमज़ा बड़ी ये ए बसाए बन जाएगा तो इस बसाए वर्ड को हमने यहाँ पर पूरा लिखना है राइट नेक्स्ट है जीम गाफ अलिफ़ का जगा हमजा बड़ी ये ए जगाए तो जगाए हमने यहाँ पर आगे इसके सामने पूरा लिख देना है मीम नून अलिफ ना मना हमज़ा बड़ी ये ए मनाए तो मनाए वर्ड आपने इस तरीके से सामने पूरा लिख देना है नेक्स्ट वर्ड है सजाए बताए और लगाए तो ये इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेना है सवाल नंबर छः है अल्लाह ताला की बनाई हुई चार चीज़ों की तस्वीरें बनाइए और इनमें रंग भरिए जैसे चाँद अब चाँद तो सफ़ेद होता है ठीक है चाँद बना हुआ है चाँद सफ़ेद रंग का होता है और ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है हमने चार चीज़ें बनाई सूरज, पहाड़ दरिया और फल साथ हमने इसका नाम लिख दिया है फल बनाया साथ हमने फल लिख दिया दरिया पहाड़ और सूरज आप चाहें तो अपनी मर्जी की कोई भी तस्वीरें यहाँ पर बना सकते हैं और आप उसके नीचे नाम मेंशन कर दें राइट सफा नंबर छः पर आ जाइए सफ़ा नंबर छः पे भी सब बच्चों ने सबसे पहले डेट डेट मेंशन करनी है उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है ये काम है आपका खुशखती का और यही आपके पांच अल्फाज जो हैं वो इमला के भी हैं ठीक है आपने इमला के लिए भी इन पांच अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है पांच अल्फाज में पहला लफ्ज़ है रब रेबे रब दाता शाह मालिक और लब मैं रिपीट कर देती हूँ रब दाता बादशाह मालिक और लब तो ये खुशखती वाला पेज आपने इस तरीके से लिखना है सब बच्चों ने डॉट्स के ऊपर लिखना है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी हो ठीक है अब ये देखिए डॉटेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो सब बच्चों ने इस तरीके से बिल्कुल डॉट्स के ऊपर लिखना है कोई बच्चा डॉट के बाहर ना लिखे अगर लिखा भी जाता है तो आप उसको रेस करके फिर दोबारा सही करके लिखें तो आप जितनी ज़्यादा खुशखती करेंगे आपकी लिखाई उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी तो आज का आपका ये काम है कि सफ़ा नंबर छः और सफ़ा नंबर पाँच में आपने इस तरीके से किताब के ऊपर करना है तो आज का आपका यही होमवर्क है अल्लाह